हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं और हम आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रैक्टिकल सीखना है तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए और 15-20 हज़ार रुपये दे जाइए। दोस्तों, उन इंस्टीट्यूशंस में जो प्रैक्टिकल के नाम पर जो आपको छलावा दिया जाता है या यूं कह लें जो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है या यूट्यूब पे और भी जो वीडियोस मौजूद हैं, मैं उन सभी को कंपाइल करके आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ और मैं अच्छी खासी रिसर्च करता हूँ तब मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ बातें ऐसी मिल जाएँ जो आपने पहले भी सुन रखी हो, लेकिन अगर दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं श्योरिटी लेता हूं, जिस भी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं श्योरिटी लेता हूं कि आपको एक या दो स्टेप कुछ मैं ऐसे नए दे जाऊंगा जिसको देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये वीडियो देख करके अपना टाइम वेस्ट किया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी बायर को मेल भेजते हैं या उसको पहली बार अप्रोच करते हैं तो हमको मेल में ऐसी क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे बायर आपको रिप्लाई करे। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एम्बेसी से आपको बहुत सी डिटेल मिल गई होगी बायर की, उसमें मेल आईडी भी मिल गई होगी, आप उन सभी को जो है मेल करते हैं लेकिन बायर आपको या वो कंपनी जो है आपको रिप्लाई नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो वो मेल भेजे थे सभी बायर्स को, आखिर उसमें ऐसी गलती क्या की थी आपने जिससे आपको बायर का रिप्लाई नहीं आया। तो चलिए अपने स्टेप्स को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बायर को कभी भी मेल करिए तो पर्सनल मेल आईडी से कभी मेल मत करिए। आपकी कंपनी की एक मेल आईडी बनाइए या आपने जब वेबसाइट बनाई होगी तो उसका एक कस्टम मेल आईडी बनवा लीजिए। जिसने भी वेबसाइट बनाई होगी वो डेवलपर आपको बना करके दे देता है, अगर पैसे मांगता है फालतू में तो समझ लीजिए बहाने कर रहा है। उससे बोलिए, पहले ही बात कर दीजिए कि मुझे इसकी भी एक कस्टम मेल आईडी बना करके दो। इसको ऐसे मान लीजिए कि आपको मेल बॉक्स में दो मैसेज दिखाई देते हैं। पहला मैसेज दिखाई देता है, जैसे मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है तो ravishrivastav@gmail.com। दूसरा मैसेज आपको दिखाई देता है राजहंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से। तो अगर आप प्रोफेशनल टाइप के हैं या किसी भी टाइप के हैं तो सबसे पहले कौन सा मेल खोलेंगे, राजहंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या ravishrivastav@gmail.com? हो सकता है ravishrivastav@gmail.com में कोई नॉर्मली मैसेज ऐसे भेजता नहीं है। अगर किसी को बिजनेस डीलिंग करनी होती तो ऑब्वियस सी बात है बायर ये प्रिटेंड करता है कि मुझे जो भी सेल से रिलेटेड मैसेज आएगा वो कंपनी के ही नाम से आएगा, या इसको आप ऐसे भी कह ले सकते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म कहलाता है कि आप कंपनी की ही मेल आईडी से अपने बायर को मेल सेंड करिए। दोस्तों, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप किसी भी बायर को जब अप्रोच कर रहे हैं तो उसको मेल भेजने से सबसे पहले उसको कॉल कर लीजिए। कॉल करने से आपको कई सारे फायदे होंगे, नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बायर हैं और मैं एक सेलर हूँ। आप जब भी अपना मेल बॉक्स खोलते होंगे तो आप वहाँ पर बहुत सारे मेल देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड का हो गया, लोन का हो गया, ईएमआई का हो गया, हॉलीडेज का हो गया, इस तरीके से आपको बहुत सारे मेल मिलते हैं। तो आप उनमें से, अगर मैं आपको मेल भेज रहा हूँ तो आप उनमें से, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा मेल आप देखिए, लेकिन मान लीजिए मैं आपको फ़ोन करता हूँ और फ़ोन पे आपसे बात करके कहता हूँ कि सर मैं इस प्रोडक्ट में डील करता हूँ और मैं आपको अपने प्रोडक्ट की इंक्वायरी देना चाहता हूँ, भला भला आप उससे बात करते हैं। फिर आप उससे कहते हैं ठीक है सर, मैं आपको अपने प्रोडक्ट की एक छोटी सी हिस्ट्री जो है या एक छोटी सी नॉलेज या मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको भेज रहा हूँ। तो अब आप सोच के देखिए, आप उस मेल को खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेल भेजने से पहले आप एक बार बायर को कॉल कर लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि नंबर कहाँ से मिलेगा, भाई जो एम्बेसी से आपको लिस्ट मिली थी उसमें कंपनी नेम होगा ना, कंपनी नेम को गूगल पर टाइप करिए, कॉन्टैक्ट में जाइए, कंपनी का आपको कॉल नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में जाइए अपने और याद करिए, जब आपने जो डिटेल आपको मिली थी, जब आपने उन सभी बायर्स को मेल एक साथ भेजा था तो किया क्या था एक्चुअली? आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया था कि आपने कंपोज पे क्लिक किया, मेल टाइप किया, उसके बाद जो सेंड वाला जो जिनको जिनको भेजना होता है उसमें
10 ID 15 ID मेल करके भेज दिया, फिर सेंड बॉक्स में गया, फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फिर उसमें 10 ID भरी, फिर भेज दिया। इस तरीके से तो मेल नहीं भेजा था आपने। मैं ये क्यों कह रहा हूँ अब आपको समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब आप इस तरीके से फॉरवर्डेड मैसेज भेजते हैं तो बायर के पास जब वो मेल उसके इनबॉक्स में जाता है तो ऊपर लिखा आता है फॉरवर्डेड मैसेज। और इंटरनेशनल बायर इतने प्रोफेशनल होते हैं, इतने टाइम के आप ये कह लीजिए इतना पंचुअल होते हैं कि वो फॉरवर्डेड मैसेज पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि यार ये रैंडमली मैसेज भेजा गया होगा इसलिए इसके अंदर कुछ खास नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि अब आप किसी भी बायर को भेजिए तो उसको फॉरवर्डेड मैसेज कभी मत भेजिएगा, या आप चेक कर लिया करिए कि वो एक बार मैसेज अपनी किसी दूसरी मेल आईडी पे भेज करके देख लीजिए कि उसमें कहीं फॉरवर्डेड मैसेज तो नहीं लिखा आ रहा है, या कॉपी पेस्ट की अगर मैसेज मेल आपने किया है तो उसको एक बार चेक कर लिया करिए। ये चीज़ें भी बायर इसी वजह से आपको रिप्लाई नहीं करता होगा, अब ये गलती हो। दोस्तों मेल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला टाइटल जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं, मेल टाइप करते समय जो सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखता है आपको, एक वो, दूसरा उसके नीचे जो कंटेंट होता है या डिस्क्रिप्शन होता है। दो चीज़ें बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती हैं बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। दोस्तों टाइटल जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, और ऐसा टाइटल होना चाहिए जो गोली की तरह लगे। इसको आप ये कह सकते हैं कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोल देनी चाहिए आपको। आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हो आपको बेहतर पता हो सकता है कि उसके लिए छोटा टाइटल क्या हो सकता है, लेकिन टाइटल ऐसा होना चाहिए जो गोली की तरह अटैक कर जाए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप टाइटल में ये लिख सकते हैं कि बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, या आप फ्रूट में डील कर रहे हैं तो बेस्ट फ्रूट फ्रॉम इंडिया, या आप फर्नीचर में डील कर रहे हैं तो बेस्ट एंड ट्रेंडिंग फर्नीचर फ्रॉम इंडिया, या आप मुझसे ज़्यादा जान सकते हैं क्योंकि आप उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि छोटे से छोटा टाइटल क्या रखा जा सकता है। और ऐसा टाइटल रखिए जिसको देखते ही बायर खोले जरूर, तो सोच के देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपने ये गलती ज़रूर की होगी, क्योंकि मैं भी ये गलती करता था। हम एक लाइन का बड़ा यूज़ करते हैं, वी विल प्रोवाइड ए प्रोडक्ट एट चीपेस्ट रेट। थोड़ा सोच के देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि भीख भीख मांग रहे हैं कि भैया मुझसे सामान खरीद लो, क्या है यार ये सब नहीं चलता है। मैंने गलती की थी लेकिन मैंने सुधार ली, आप भी सुधार लीजिए। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वी विल प्रोवाइड ए प्रोडक्ट ड्रॉप बॉटम रेट्स। थोड़ा एटीट्यूड वाली लैंग्वेज यूज़ करिए। अब आप ये कहेंगे कि भैया मुझको अंग्रेजी तो आती नहीं है, मैं कैसे लिखूं, या सही बात है आप लिख भी नहीं सकते हैं। तो आपने कभी कंटेंट राइटर का नाम सुना है? मार्केट में ऐसे भी कंटेंट राइटर पड़े हुए हैं जो 4 से 5 लाख रुपये लिखते हैं एक कंटेंट लिखने के लिए। आप इतना मत खर्चा करिए, आप एक काम करिए, आप तो कंटेंट राइटर ढूंढ लीजिए जो आपको 1000-1500 रुपये में भी मिल जाएगा। आप उससे मिलिए, उससे मिल करके उसको 1000-2000 रुपये दीजिए और अपने लिए एक मेल लिखवा लीजिए, वो आपके लिए लिख देगा और वही मेल सबको चपकाते रहिए। दूसरी गलती आप एक बहुत ये करते होंगे कि आप मैसेज की जो शुरुआत है वो हाय डियर या इस तरीके के वर्ड्स से शुरू करते होंगे। ये प्रोफेशनल वाला मेल नहीं कहलाता है। आपको कंपनी की मेल आईडी पता है, इसका मतलब आपको कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी पता होगी। एक काम करिए, वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा सा रिसर्च मारिए, उसमें डायरेक्टर का या सेल्स डिपार्टमेंट का जो भी बंदा होगा उसका नाम जरूर दिया होगा। आप उस नाम को मेंशन करिए, जैसे मिस्टर स्टीव, मिस्टर रॉबर्ट। तो इस तरीके से सोच के देखिए। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको कोई मेल आया हो, अगर मेल की शुरुआत में आपका नाम लिखा हो या उसमें हाय डियर या इस तरीके की लाइन लिखी हो तो इम्पैक्टफुल कौन सा लगेगा आपको, तो इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। दोस्तों बायर को जो मेल आप भेज रहे हैं या जो मेल आप लिख रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि बायर को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगे। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंडिया में इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अच्छा काफ़ी बिजनेस कर रहा हूँ इसमें, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं इस कंट्री में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन अब मैं इस कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ और मुझे आपके बारे में पता चला इसलिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ।
तो इस तरीके की कुछ लाइंस बनानी होगी आपको, जिससे बायर को ये लगे कि ये मेल उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हुआ है। एंड दोस्तों एक बात और, मेल के अंदर ग्रामर का और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो बायर एक्सपेक्ट करता है, या ऐसे कह लें कि अगर आप ग्रामर का या स्पेलिंग का मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको, अगर आप आपका मेल जो है वो बायर पढ़ रहा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप खुद सोच के देखिए। तो इसलिए दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मेल में ग्रामर और स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके लिए कई सारे आपको टूल मिल जाएंगे ऑनलाइन, गूगल पे भी आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मेल लिखिए कि आपको ग्रामर का और स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दोस्तों मेल लिखते समय जो है बायर को थोड़ा सा जलाना भी पड़ता है। इसको थोड़ा मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आप जब भी मेल लिखें तो उसमें ये भी मेंशन करें कि इस कंट्री में मेरी उस कंपनी से भी बात चल रही है, जिसके लिए आपको रिसर्च भी करना होगा कि इस प्रोडक्ट में और कौन कौन सी कंपनियाँ डील कर रही हैं, या एम्बेसी से जो आपको प्रोडक्ट की जो लिस्ट मिली है उनमें से किसी एक दो कंपनी का नाम लिख के दे दीजिए, लेकिन सर्च कर लीजिएगा कहीं वो कंपनी इसी कंपनी की कोई दूसरी पार्टनरशिप में या ऐसी कोई कंपनी ना हो। तो मेल में आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरी इस प्रोडक्ट को लेकर के उस कंपनी से बात चल रही है और उनसे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बायर को ये लगता है कि यार वो कंपनी अगर इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेती है तो कहीं वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो आप इस तरीके से भी जो है एक स्ट्रेटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको जो है कह सकते हैं थोड़ी सी मक्खन पॉलिश करनी होगी, जिसमें इंडियन बड़े माहिर होते हैं। आप बायर की मक्खन पॉलिश इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे उसको ये बोल दीजिए कि आपकी कंपनी के बारे में मुझे इंडियन एम्बेसी से पता चला है और आपकी कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड है। जब मैंने एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया, जब मैंने उनसे बायर की लिस्ट मांगी, तो उन्होंने मुझे आपकी कंपनी के बारे में बताया और बताया कि ये कंपनी इतने दिनों से इस फील्ड में वर्क कर रही है और अच्छा खासा काम कर रही है, इसलिए भी मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप एक ही बहुत फेथफुल और जेन्युइन बायर हैं इस प्रोडक्ट के, इसलिए भी मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर मैं आप ही की कंपनी के साथ में बिजनेस करूं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको नहीं लगता है दोस्तों कि बायर आपको रिप्लाई करेगा? दोस्तों जो भी मेल आप टाइप करते हैं उसमें जो भी कंटेंट होना चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। बायर को कम जानकारी में ज्यादा जानकारी दे देनी चाहिए, मतलब छोटे छोटे शब्दों में आप पॉइंट वाइज रखिए। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं पॉइंट वाइज रखूँगा तो बायर को पूरी डिटेल कैसे दूंगा, तो उसके लिए एक काम करिए, आपके प्रोडक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन, रेट लिस्ट वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसकी पीपीटीज बना लीजिए। प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ या जो भी सारी चीज़ें हैं वो पीपीटीज में लगा दीजिए और वो पीपीटीज मेल के साथ में अटैचमेंट में डाल दीजिए। लेकिन याद रखिएगा इन पीपीटीज का जो फाइल साइज़ हो वो कम हो। कभी कभार क्या होता है, आप बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ उसमें यूज़ कर लेते हैं और पीपीटी का और मेल का जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके आउटलुक में जाता है तो वो खुलता नहीं, तो बायर के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर नहीं खुलता है तो वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है। ये दोस्तों आखिरी स्टेप है, इसमें आपको तीन चीज़ें बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कभी भी मेल में हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए आपकी बायर से बातचीत चल रही है और आप उसको ऐसा मेल भेज देते हैं तो वो बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत जल्दी अपने ईगो पे ले लेते हैं। अगर आपको ऐसी कोई बात बोलनी ही है तो आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कभी भी जब मेल का एंड होता है तो उसमें योर्स फेथफुली टाइप का वर्ड कभी मत लिखिएगा, आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, ये एक प्रोफेशनल मेल कहलाता है। तीसरा और आखिरी, कभी भी मेल में रॉन्ग कमिटमेंट मत करिएगा। जैसे आप जब मेल भेज रहे हैं उसको पीपीटीज लिख रहे हैं तो उसमें आपकी नियम शर्तें होंगी, डिलीवरी का प्रोसेस होगा कि हम इतने दिन में कर देंगे, एयर से मंगाते हैं तो इतने दिन में कर देंगे, ऐसे शिप से मंगाते हैं तो इतने दिन में कर देंगे, वो आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री की बायर को मेल कर रहे हैं उसमें डिलीवरी कितने दिन में होगी, कैसे होगी, क्या रेट होंगे, वो सारी कैलकुलेशन करके ही आपको मेल करना चाहिए। उसको जानने के लिए आप किसी भी कस्टम एजेंट को कॉल कर लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उनसे पूछ लीजिए कि ये मैं अगर एयर से भेजता हूँ तो कितने दिन में पहुँचेगा, क्या चार्जेस होंगे।
दूसरा अगर मैं शिप से भेजता हूँ तो कितने दिन में पहुँचेगा, क्या चार्जेस होंगे, सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। तो कमिटमेंट वही करिए बायर से जो आप फुलफ़िल कर पाएँ। इसी में ही एक बात ये है कि बायर अगर आपसे मान लीजिए कोई स्पेशल पैकिंग की डिमांड कर लेता है तो आप उसको तुरंत हाँ मत बोल दीजिए, आप उससे थोड़ा सा समय ले लीजिए और उसके बारे में पता कर लीजिए। क्या पता वो जो पैकिंग मांग रहा हो वो कॉस्टली पड़ जाए आपको, क्या पता वो पैकिंग मटेरियल ही आपको बाहर से मंगाना पड़ जाए या जहाँ से भी आप ले रहे हैं वो आपको महंगा पड़ जाए, तो फिर सौदा जो है वो घाटे का हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों बायर को फर्स्ट अप्रोच या पहला मेल किस तरीके से किया जाए उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। आप इसको ट्राई करिए, आई होप आपको अब रिवर्ट आएगा। दूसरी चीज़, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपसे ट्रेनिंग के नाम पे पैसे नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूँ कि शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो एंड हुआ, धन्यवाद।